हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम पोस्टल रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी या आपका एज कितना होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग रोज़ आपके लिए ऑनलाइन हेल्प से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/6/2022 को एक नोटिस निकला है। यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस, मल्टीटास्किंग, ये सब वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे निकला है। और ये नोटिस को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल ऑफ पे, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पे स्केल है 25,000 से लेकर 81,000 तक होगा। ये सब आप यहाँ पे इस नोटिस के द्वारा देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी इस नोटिस का जो लिंक है वो अपडेट किया जाएगा। पोस्टमैन का भी पे स्केल, मल्टीटास्किंग का पे स्केल आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे नंबर 3rd पे आप देख सकते हैं प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब इसका जो एग्जामिनेशन है और ट्रेनिंग है उसके बारे में यहां पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी देख सकते हैं, ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज प्रेस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और यहाँ पे जो 4 नंबर पे है, यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी डिवीज़न में टोटल 2 वैकेंसी है, दोरंग डिवीज़न में 2। और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो एज लिमिट है वो बिटवीन 18 to 27 होना चाहिए, 27 ईयर्स। और रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स फॉर OBC एंड 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। और जो पोस्टमैन है उसका आपका जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, एंड उसका जो रिलैक्सेशन है OBC के लिए 3 ईयर्स एंड SC/ST के लिए दोस्तों 5 ईयर्स है। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप MTS का देख सकते हैं 18 to 25 ईयर्स, 3 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर OBC एंड 5 ईयर्स फॉर SC/ST। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, हायर सेकेंडरी वो कम्प्लीट करना होगा आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आप नीचे जितना भी क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है आपके पोस्ट के अनुसारी आप एक बार पढ़ लीजिए। पोस्टमैन के लिए भी 12th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है। और आपको जो लैंग्वेज है आसामीस, बंगाली, बोरो, ये सब लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग MTS का जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड है। वो जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो है आसामीस, बोरो, बंगाली, ये लैंग्वेज दोस्तों आपको आनी चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करिए, कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसको पढ़ने के लिए। और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स, ये सब पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप इस पर कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं उसका जो कम्प्लीट प्रोसेस और मेथड है यहाँ पे दिया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स, यहाँ पे एप्लीकेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, SC/ST, इस ये सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आप 14 नंबर पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट के थ्रू आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। पहला जो स्टेज है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब देके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड स्टेज है उस पर आपको पेमेंट ऑफ फ़ी, जी हाँ आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST हो तो आपका जो फ़ी है वो 0 है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, जो 3rd स्टेज है वो है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे स्पोर्ट्स डाटा सबमिशन और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका एजुकेशनल फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, 15 नंबर पे आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप
हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।